पुराने गांधी तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को अगर हम लोग अपनाएं, उनका पालन करें, तो निश्चित तौर पे हम लोग अपने भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में कामयाब होंगे। और इसी के साथ मैं सोमनाथ मंडल को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बातें रखें। शिक्षक एवं छात्र छात्रा को मेरा नमस्कार। मैं गांधी जी के शब्दों के बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। महात्मा गांधी अपने सपनों के भारत में लिखे थे कि यदि भविष्य में भारत ने हिंसा को अपना धर्म बना लिया और अगर उस वक्त तक मैं जीवित रहा तो मैं भारत में नहीं रहना चाहूँगा। महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्र और बलवान देखना चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र पूर्व विश्व के अन्य देशों के भले के लिए अपना योगदान दे सके, क्योंकि वे मानते थे कि भारत के वो लाचारों और मजबूरों से विश्व के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी ऐसे संविधान की रचना करना चाहते थे जिसमें भारत को हर तरह के गुलाम से मुक्त कर दे और उसे आवश्यकता हो तो पार करने तक का अधिकार दे। वे ऐसे भारत की कल्पना करते थे कि जिससे गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करें कि वो उनका देश है और उसके निर्माण में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, तथा जिसमें नीचे नीचे वर्गों का कोई भेदभाव ना हो और जिसमें सभी संप्रदाय को मेल हो। ऐसे भारत में शराब और दूसरे नशीले पदार्थ के लिए कोई स्थान नहीं हो, इसमें स्थितियों को वही अधिकार होंगे जो इसमें स्त्रियों को भी वही अधिकार होंगे जो पुरुष को होंगे। महात्मा गांधी ऐसे भारत का सपना देखते थे जिसमें हर नागरिक शिक्षित हो और किसी को अपने योग के अनुसार रोजगार के मौके मिले। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि इस तरह के और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध कराई जा सके। इस वीडियो में कुछ भी कमेंट करने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।